विजयनगर थाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी की हुई 17 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। खास बात यह है कि ये सभी मोटरसाइकिलें पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर से चोरी की गई हैं, जिन्हें यहां लाकर बेचने का प्रयास किया जा रहा था। पकड़े गए दोनों मोटरसाइकिल चोरों में से एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक भी है, जिसने इन सभी मोटरसाइकिलों को छिपा कर रखा था। पुलिस इनसे अभी और पूछताछ कर रही है। विजयनगर थाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों माड़ोताल निवासी राजेश साहू और सिवनी जिले के रहने वाले देवेंद्र पटले को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने चोरी की हुई 17 मोटरसाइकिलें जब्त की है। इन मोटरसाइकिलों की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एडिशनल SP कमल मौर्य ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर चोरी की मोटरसाइकिलें बेचते हुए पकड़ा गया था। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने और भी वाहनों की चोरी करने और चोरी के वाहन विजयनगर थाना क्षेत्रों में एक टपरे में छिपाकर रखने की जानकारी दी। इनकी निशानदेही पर कुल 17 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। खास बात यह है कि इन्होंने सभी मोटरसाइकिलें रायपुर छत्तीसगढ़ से चोरी की थी और इन्हें बेचने के प्रयास में थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से देवेंद्र मोटरसाइकिल का मैकेनिक है और वो यादव कॉलोनी क्षेत्र में रहता है। कुल मिलाकर उनसे 17 मोटरसाइकिल हमारे द्वारा जब्त की गई हैं। जब उनसे और डिटेल प्राप्त करी तो पूरी की पूरी मोटरसाइकिल छत्तीसगढ़ की पाई गई। वहाँ से ये चुरा के लाते थे और यहाँ पर ये कह के बेचते थे कि ये वहाँ पर ऑक्शन की मोटरसाइकिल है, जो हम बाद में आपको कागज प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से 17 मोटरसाइकिल इनसे जब्त की गई हैं और इनके अन्य एक दो साथी और हैं जिनको हम बहुत शीघ्र ही पकड़ेंगे। इनके पते के अनुसार ये जो अभी हमारे पास जो पकड़े गए लोग हैं वो राजेश साहू पिता लक्ष्मण साहू, ये राजीव गांधी नगर थाना माड़ोताल का है, और दूसरा देवेंद्र पटले पिता राजकुमार पटले। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल आरोपियों से पूछताछ का क्रम जारी है।